बिल्कुल यार गाइस, हम थक गए यार, यूट्यूब अब छोड़ देना ही होगा यार, मेरे बस का नहीं है गाइस। यंग लड़का हम ही हूँ यार, इस पूरे फैमिली को लेकर चलना होता है। पर से हम भी अंधा है, कौन देखेगा, बहुत देखते हैं बहुत। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इसको ब्लॉग तो नहीं कर पाएंगे गाइस, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाएगा गाइस, मेरी जिंदगी का सवाल है और मेरे परिवार का सवाल है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले अपने माता पिता का प्रणाम करके स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, हम लोग का प्रणाम करते हैं। और गाइस, आप लोग से 8 से 10 दिन के पहले का मैं बात आप लोग से बताना चाहता हूँ। आप लोग देखते होंगे मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा निराश रह रहा हूँ गाइस, बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ गाइस। आई क्यूट यूट्यूब गाइस, आज से आपका दीपू ब्लॉग यूट्यूब नहीं बनाएगा, आज से मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा गाइस, और मुझे नहीं करना है यूट्यूब। आप लोग जान रहे गाइस, इतना मेहनत करता हूँ, हमेशा मेहनत करते आ रहा हूँ, और लोगों का गांव में रहकर गाइस आप लोग जानते हैं यार कि कितना मेहनत करना होता है और किस तरह का यूट्यूब पे चैनल पे आना पड़ता है वो पूरी फैमिली लेकर। तो गाइस, सब इस सब प्रॉब्लम को झेलते हुए आपका दीपू भाई कभी हार नहीं माना और काम करते रहा गाइस, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मुझे यूट्यूब छोड़ देना होगा, मैं यूट्यूब छोड़ूंगा यार, क्या करेंगे गाइस आप लोग बताइए। इतना मेहनत करने के बाद गाइस चैनल पे व्यू नहीं आ रहा, चैनल डाउन जा रहा, सब्सक्राइबर कुछ दिन से नहीं बोल रहा, आप लोग देख रहे हैं 10,000-20,000 व्यू आता था एवरेज व्यू, आज 4,000-5,000 आ रहा, तो आज कैसे काम चलेगा यार। आप लोग बताओ यार, आप लोग के मेहनत करते हैं गाइस, इतने बड़े घर से थोड़ी है यार, आप लोग के साथ सारी चीजें अपना शेयर करते हैं, हमारे फैमिली में जो चीज होता है दिखाते हैं गाइस, बाहर भी जाकर ब्लॉगिंग करते हैं, आप लोग तो देखते हैं गाइस। आप लोग प्यार पुरार दीजिएगा तब ना काम करेगा, तब ना आगे बढ़ने के लिए कोशिश करूंगा गाइस। कुछ दिनों से इतना ज्यादा परेशान चल रहा गाइस, टाइम से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, अच्छे से घर में रह नहीं पा रहा हूँ गाइस, क्या मैं आप लोग को बताऊं यार। आप लोग समझ रहे हैं कि एक गांव के लड़के के कितना दिक्कत होगा गाइस, मैं कोई इतना बहुत बड़ा नहीं हूं यार गाइस, जो चीजें हैं घर में दिखाएंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं ना गाइस, मेरे पास जो चीज रहेगा वो मैं दिखाता हूं, माँ बाप का सेवा करता हूं, अच्छा चीज प्रेजेंट करता हूं, आप लोग को दिखाता हूं कि आप लोग भी माँ बाप को शेयर करना चाहिए गाइस। देखिए, आप लोग फैमिली हो यार, और आप लोग सारी चीजें बातें करना, दिल खोल के बात करना अच्छा लगता है। कोई भी व्यक्ति गाइस कैमरे पे आकर रोना रोएगा नहीं, ये आप लोग जानते हैं, सबका एक पर्सनल लाइफ भी होता है गाइस, लेकिन नहीं यार, हालात तो ऐसा है गाइस, आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे घर का हालात क्या है। आप लोग देख रहे हैं, आप सामने दादाजी खड़े हैं, भैया खड़े हैं गाइस, दादाजी को बचपन से दिखाई नहीं देता है, भैया जी विकलांग है गाइस, तो कौन काम करेगा यार, बाहर कहीं जाएंगे तो इस फैमिली को कौन चलाएगा। मैं सोचा कि यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे मेहनत करते हैं और धीरे धीरे सब चीज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन गाइस आप लोग को क्या हो गया, आप लोग मुझसे नाराज हो गए, क्या मैं कोई गलती किया हूँ। तो गाइस यार, आप लोग ऊपर है यार, आप लोग छोटे घर के लोग को नहीं सपोर्ट कीजिएगा गाइस, सपोर्ट कीजिएगा तभी ना आगे जाएगा, इतना बड़ा तो माल नहीं है गाइस घर का, हालात देख सकते हैं क्या हालात हुए हैं। तो गाइस, इन घर में एक युवक लड़का हम ही है, इन माँ बाप को देखने के लिए गाइस सहारा हम ही है, तो गाइस कौन करेगा यार। बाकी गाइस, अब बहुत ही अजीब लग रहा है, आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा, और गाइस मुझे लग रहा है कि मैं यूट्यूब अब छोड़ ही दूंगा, क्योंकि हार तो कभी नहीं मानता हूँ, एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बिल्कुल थक गया हूँ यार, क्या बताएं, आप लोग से मेहनत करते करते थकना नहीं बोलते हैं इसको, हर बंदा निराशमेंट होता है, हर बंदा नर्वस होता है, मैं भी हो गया हूँ। और गाइस यार, आप लोग को क्या बताऊँ यार, मतलब फैमिली के बात बताता यार, अपना तो कहीं की इंसान कुछ भी कर देगा, लेकिन फैमिली का जिम्मेदारी है, जो व्यक्ति का होगा वो ही समझ सकता है। यंग लड़का हम ही हूँ यार, इस पूरे फैमिली को लेकर चलना होता है, सब कुछ देखना होता है गाइस, काम कर रहे हैं, सोचे आज आप लोग अपने दिल का बात बताता हूँ, तो अपना बातें आप लोग के सामने रख के बाकी आप लोग देखिएगा। और मम्मी भी आज कुछ कहना चाहेंगी, दादाजी भी कुछ कहेंगे, और गाइस अब नहीं हो पाएगा हमसे, अब लग रहा है गाइस एकदम बिल्कुल यार गाइस एकदम थक गए यार, यूट्यूब अब छोड़ देना ही होगा यार, मेरे बस का नहीं है गाइस, क्या करें यार, इतना मेहनत करने के बाद भी गाइस चैनल पे व्यू नहीं आएगा तो कोई कैसा लगेगा यार। तो आप लोग से ये कहना चाहती हैं कि हमारा लड़का जो रोता है हमको बहुत दर्द बुझाता है, बच्चों साथ हमारा मत छोड़ना, अपना छोटे भाई को साथ मत छोड़ना, ये तो खोबे अपने छोटे घर के, अपने माता पिता के छोटे बच्चे, महाराजगंज जिला से ये लड़का अपना, ये महाराजगंज जिला से अपना जिला टॉप करना चाहते हैं, तो इसको हाथ जोड़ के हम बोल रहे हैं, बच्चों ये देखो, ये दादाजी विकलांग है, ये बड़े भैया विकलांग है, भाभी जी विकलांग है,
ये भाभी जी को छोटे बच्चे हैं तो उसके देखना पड़े ना है, इसको हम लोग का देखना पड़ेगा। तो आप लोग बड़ा नहीं करेंगे तो हम लोग का सहारा कौन होगा? ये विकलांगों को कौन देखेगा? आप लोग बड़े नहीं करेंगे, आप लोग लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो कौन देखेगा? ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम गाइस ऐसी बात है यार, दादा के हालात दादू से खुद पूछिए कि बहुत मेहनत करता हूँ यार गाइस, बचपन से मेहनत करता हूँ, आज तक इतना बड़ा हो गया हूँ, आज तक मैं कोई खेल नहीं खेला यार। बचपन में जो लोग खेल खेलते थे वो नहीं खेलते थे, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ काम करता था यार। आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे काम किया हूँ, सारी चीजें आप लोग को बताऊंगा। लेकिन गाइस क्या करें आप लोग बताइए, अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा गाइस? किसी को भी नहीं लगेगा यार, मतलब यूट्यूब एक अपना घर है, आप लोग फैमिली हो यार, आप लोग नाराज होंगे नहीं देखेंगे तो गाइस बुरा लगेगा ना यार, बहुत बुरा लगेगा यार, मतलब क्या बोला गाइस, बहुत अजीब तरह लग रहा है, डर लग रहा है गाइस। एक सपना है यार, मतलब सपना कैसे कोई समझ सकते हैं यार, कि जो व्यक्ति के अंदर गाइस मेरा बचपन से सपना है कि कैमरे के सामने रहना। बहुत सारा बातें चीत है गाइस, मैं आप लोगों का क्या बताऊं, देख सकते हैं पीछे ये सब बैनर वैनर सब लगा है। मैं इसके पहले बहुत सारा स्ट्रगल किया हूं गाइस, मतलब मुंबई से दिल्ली से मैं हर जगह से दर दर का टोकर खाया हूं यार। लेकिन ये अपना दीपू व्लॉग चैनल जो स्टार्ट किया हूं गाइस, यही चीज है, बाकी गाइस आप लोग के ऊपर है। अब गाइस क्या आप लोग से बताएं, हमारा प्रश्न यही है, दीपू बाबू को सपोर्ट करिए, सपोर्ट बढ़ाइए जो घर भर के काम देख सकल, सेवा कर सके, ऐसे ये हमारे सेवक मारे ही बाहर ना ही जाले, जे दादा माई के देखी पर से हम भी अंधा है, कौन देखेगा? ये बहुत देखते हैं, बहुत सेवा करते हैं, इनका सपोर्ट करिए, हमारा निवेदन भैया बबुआ ये है। और भैया जी कुछ कहेंगे? तो गाइस यहाँ पे भाभी जी हैं, दादा जी हैं, बाकी गाइस अजीब लग रहा है यार, आज कुछ अजीब लग रहा है। तो गाइस अब बाकी बाद में आप लोग देख रहे होगा क्या होगा, आप लोग सगश जैसा कीजिएगा वैसा हम डिस्कस लेंगे। और यहाँ पे देखिए गाइस बच्चों को भी देखना रहता है गाइस, आप देखिए इतना छोटा बच्चा, भैया तो कुछ कर नहीं पाएगा गाइस, बाकी कुछ कहेंगे भैया भी बोलेंगे तो सब ऐसा सीन हो जाता तो थोड़ा बहुत अजीब लगता है। बाकी गाइस आगे तो अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बहुत परेशान लग रहा है गाइस, आप लोग को क्या बताएं। फैमिली का जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के ऊपर होगा, जिस बंदे के ऊपर होगा गाइस, वही समझ पाएगा कि एक परिवार को लेकर चलना कैसा होता है। गाइज जानते हैं आप लोग, जब सर पे सोच लेते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है गाइज आप लोग प्याज उतार देते हो यार, आप लोग भी तो एक फैमिली का मेंबर थे, कहीं ना कहीं कुछ अलग टाइप का लगता है। तो गाइज इसके लिए थोड़ा सा मन बहुत घबरा रहा, बाकी आप लोग मुझे अच्छा अच्छा सजेस्ट कीजिएगा कि किस तरह क्या करें, अभी के टाइम में कैसे मुझे क्या करना चाहिए। बाकी गाइज आप लोग इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम इधर दिख रहा गाइज। बहुत अजीब लगता है गाइज, आप लोग को क्या बताएं, जिंदगी बहुत बड़ा परीक्षा लेता है और हमेशा हार्ड वर्किंग करता हूँ और करता ही रहूंगा। बाकी गाइज ब्लॉग को एंड कर देते हैं, ब्लॉग नहीं है, थोड़ा बहुत अपना दिल का दर्द था जो बाकी आप लोग को बताएं। बाकी गाइज अब देखिए क्या करूंगा, कुछ मुझे पता नहीं है, आप लोग कुछ सजेस्ट ऐसा कीजिएगा वैसे मैं डिस्कस लूंगा। तो गाइज नमस्ते, प्रणाम।